कभी कभी किचन में भी मजेदार घटनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए आप स्टोव पर एक बर्तन रखते हैं और यह भी नहीं जानती कि आपके साथ दो और लोग इसमें खाना बना रहे हैं। तो हमारे हीरोज दादी, शेफ एमा और रोज, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि वे एक साथ खाना बना रहे हैं। टेट को बनाया गया खाना पसंद नहीं आया, इसलिए उसने एक चुनौती की व्यवस्था करने का फैसला किया है, जहां प्रत्येक हीरो उसके लिए खाना बनाएंगे। मल्टीडू चैलेंज में आपका स्वागत है। चलो पिज्जा से शुरू करते हैं। मैंने इसे बहुत दिनों से खाया नहीं है। पिज्जा, यह आसान है। यह मैं बना लूंगी। एमा, तुम क्या कर रही हो? यह कैसा है? मैं पिज्जा डो बना रही हूँ। मैं एक असली शेफ हूँ, इसलिए मेरा डो सबसे अच्छा होना चाहिए। दादी और शेफ एमा सामान्य पिज्जा बनाएंगी। मैं कुछ और ओरिजिनल क्यों नहीं करती, जैसे कि मीठा पिज्जा? और इसके लिए मैं क्रस्ट ओरियोस और न्यूटेला का उपयोग करूंगी। यह तो अभी से ही अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस डो को ऐसे ही खा सकती हूँ। रोज, क्या तुम जानती हो कि पिज्जा डो को आलू से भी बना सकते हैं? मैं दुनिया का पहला ऐसा पिज्जा बनाने जा रही हूँ। मुझे यकीन है कि मेरी पोती इसे पसंद करेगी। हाँ, मैं खुद ऐसे पिज्जा को मना नहीं करूंगी। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन रोज पूरा मीठा पिज्जा बना रही है। यह वास्तव में बहुत हानिकारक है। मिठाइयों की जगह सब्जियों का इस्तेमाल करना बेहतर है, जैसे कि यह खीरा। हम गाजर और टमाटर भी डाल सकते हैं। बेशक थोड़ा चीज भी बुरा नहीं होगा। यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन सॉसेस के बिना किस तरह का पिज्जा? हम इसमें कैप्सिकम और मशरूम भी डाल सकते हैं। तो पिज्जा जरूर ही जूसी तैयार होगा। अब इसे भूनने का समय है। ऐसा करने के लिए मैं उसके ऊपर एक विशेष लिक्विड डालूंगी। वह क्या कर रही है? ये बहुत अजीब है। तुम्हें बस कुछ पता नहीं है। वास्तव में पिज्जा बनाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। फिर यह पूरी तरह से पका हुआ होगा। ओ, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। नहीं, मेरा पिज्जा। शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। जरूरी बात है पहले इस आग को बुझाया जाए। फिर इसे ट्राई कर सकते हैं। यह किस तरह का कोयला है? एमा, तुम एक शेफ हो, यह कैसे हो गया? नहीं, यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। दादी, आपका पिज्जा बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन इसकी महक बस कुछ ऐसे ही है। नहीं, पर तुम्हें यह पसंद आना चाहिए। उम्मीद है कि कम से कम इसका स्वाद ठीक ठाक होगा। रोज, यह अद्भुत है। सच में मैंने बहुत मेहनत की है। हुर्रे, मैं जीत गई। इस बार मुझे इस तरह का जिंजर ब्रेड मैन चाहिए। प्लीज अपना बेस्ट दो। यह एकदम आसान है। मैं जिंजर ब्रेड बनाना नहीं जानती। दादी जैसे स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड कोई नहीं पकाता है। तो लड़कियों, हार के लिए तैयार रहो। मुझे सबसे बढ़िया जिंजर ब्रेड की रेसिपी अच्छे से याद है, इसलिए मेरे लिए इसे फिर से दोहराना मुश्किल नहीं होगा। यह भी होता है। वाह, उसका लगभग हो चुका है। मुझे भी जल्दी करना है। क्या ये आटा, दूध, क्या आटे को सीधे पैकेट में गुथा जा सकता है? रो, तुम क्या कर रही हो? नहीं, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तो देखो, अब इसे केवल माइक्रोवेव में डालना ही बचा रह गया है, ताकि यह कड़ा हो जाए। फिर मेरा जिंजर ब्रेड लगभग तैयार हो जाएगा। बट इसका आकार अच्छा से नहीं बना है। केवल वह दिखने में समान नहीं है। आप डो से लिटिल मैन को कैसे बना सकती हैं? बहुत आसान है। इसके लिए एक विशेष सांचा चाहिए होता है। उसकी मदद से मैं ढेर सारे स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड मैन को तैयार कर सकती हूँ।
जिंजर ब्रेड मैन तो कोई भी बना सकता है। मैंने एक पूरा मैरी गो राउंड बनाया है और मैंने यह बनाया है यह एक फ्लैट ब्रेड। मैं यह भी नहीं जानती कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। इसके अलावा मुझे अभी भी अपनी खुद के काम की काफी चिंता है। इसे रंगीन और आकर्षक देखने के लिए जिंजर ब्रेड मैरी गो राउंड को सजाने की जरूरत है। मैं अपने फेवरेट ग्लेज कलर्स का उपयोग करूंगी तो यह सिर्फ सुंदर ही नहीं होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। ताराम, मेरा सब कुछ तैयार है। ओ, कितना सुंदर यह किस तरह का मॉन्स्टर है? मॉन्स्टर क्यों, मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा जिंजर ब्रेड है। लड़कियों, लड़ना बंद करो, तेरे लिए एक विनर चुनने का समय है। वाह, एमा ने मेरे लिए पूरा जिंजर ब्रेड मैरी गो राउंड बनाया है। यह सिर्फ सुंदर ही नहीं है बल्कि वास्तव में स्वादिष्ट भी है। दादी, आपका जिंजर ब्रेड भी काफी बढ़िया है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन यह तीसरी प्लेट पर क्या है? यह देखने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। शायद कम से कम यह बहुत स्वादिष्ट होगा। नहीं रोज, मुझे माफ करो लेकिन यह एकदम बेकार है। इस दौर में जीतती है दादी। और एमा के पास समान रूप से स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड है, लेकिन एमा ने एक पूरा मैरी गो राउंड बनाया है तो वह जीत जाती है। ये मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे इस मैरी गो राउंड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं बस इसे जल्द से जल्द खाना चाहता हूँ। तो क्या आप तैयार हैं? इस बार मेरे लिए स्वादिष्ट नूडल्स बनाकर मुझे सरप्राइज करो। ठीक है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। क्या यह नूडल्स है? मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। नंबर्स के रूप में पास्ता का उपयोग करना बहुत कूल होगा। यह न केवल मजेदार है बल्कि बहुत रोमांचक भी है। सब्जियों की मदद से मैं उन्हें अलग अलग रंगों में रंग दूंगी तो यह स्वादिष्ट, हेल्दी और जाहिर है बहुत रंगीन होगा। डैडी इसे जरूर पसंद करेगा। यह सब गलत है, ये स्टोर से खरीदी गई सब्जियां हैं। भयानक नूडल्स, मुझे सब कुछ खुद करना है। नूडल्स खुद से तैयार किया जा सकता है। असली आटे, ताजे अंडे और धन्यवाद मेरी मुर्गी और दूध, ताजी दूध, बस गाय से बच के रहना है। और जाहिर है हम चीज के बारे में नहीं भूल सकते। और मुझे इस फाउंटेन की भी जरूरत है। मुझे आशा है कि अगर मैं इसे तुमसे थोड़ी देर के लिए ले लेती हूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम खाना बना सकते हैं। इतना परेशान क्यों होना? क्योंकि मैं टेड को सबसे स्वादिष्ट पास्ता खिलाना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। आटा को अच्छी तरह से गूंदने की जरूरत है, फिर एक विशेष उपकरण के माध्यम से स्क्रॉल करें, फिर मुझे पतले नूडल्स मिलेंगे। वाह, यह बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। टेड को गमी पसंद है तो मैं क्यों ना उसे गमी पेस्ट से खुश करूं? इसके लिए बस कैंडीज को पिघलाना होगा और तैयार लिक्विड को साधारण स्ट्रॉस और एक रेफ्रिजरेटर की मदद से गमी नूडल्स में बदलना होगा। हाँ बिल्कुल इस तरह से। इसके अंदर गमी ठोस रूप में है। ओ वाह, मैं खुद इसे खाना चाहती हूँ। ओ दादी, क्या ये सॉसेज ऑक्टोपस है? ये कितना प्यारा है। धन्यवाद, मैंने पूरे दिल से बनाया है। एमा का कैसा चल रहा है? ताड़ा, आपको मेरी नूडल्स मशीन कैसी लगी? इसमें कभी खत्म ना होने लायक चीज है, तो टेड को ये जरूर पसंद आएगा। शानदार, शाबाश। वैसे यह पता लगाने का समय है कि टेड हमारे डिश के बारे में क्या सोचता है। दिलचस्प, सबसे अधिक मैं इस चमत्कारी मशीन से नूडल्स को खाना चाहता हूँ। यह मानना ही पड़ेगा कि एमा वास्तव में एक शानदार आइडिया के साथ आई है। केवल कुछ फाउंटेन गड़बड़ कर रहा है, आशा करता हूँ कि विस्फोट नहीं करेगा। ओह नहीं, ऐसा पास्ता निश्चित रूप से आज नहीं जीतेगा। मैं जल गया और मैं पूरी तरह गंदा भी हो गया हूँ। मुझे उम्मीद है इस चीज ने कम से कम गमी नूडल्स को खराब नहीं किया होगा। चक कर देखता हूँ।
छी, यह पूरी तरह बर्बाद हो गया है। अब वे भी नहीं जीतेंगे, केवल दादी की डिश बची हुई है। ओ दादी, यह बहुत स्वादिष्ट है और बहुत प्यारा। दादी मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं? अरे धन्यवाद बेटे, मैं बहुत खुश हूँ। यह खाना पकाने का समय है, मुझे सरप्राइज करो। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स और हम क्या पका रहे हैं? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। आज मुझे एक बड़ा सुंदर केक चाहिए। मैं वेट कर रही हूँ, मुझे खुश करो। केक कितना कूल। यह बहुत आसान है। क्या तुमने केक कहा? फिर मुझे आटा चाहिए। मैं इसे और सुविधाजनक बनाने के लिए इसे गहरी डिश में लूंगी। फिर मैं थोड़ा दूध मिलाऊंगी। केक की रेसिपी मेरे सिर में है। मुझे सभी आवश्यक सामग्री पूरी तरह से याद है। कोई भी विस्क इस केक को प्यार से पोषण नहीं दे सकता है, केवल दादी के हाथ। इसलिए मैं हमेशा हाथ से आटा गूंथती हूँ। ये महत्वपूर्ण है। क्या समय की बर्बादी है, हमेशा एक आसान विकल्प होता है। केक की तैयार परतें पहले से ही मुझे बहुत समय बचाएंगी। यह क्या है? मैं इसे देखना नहीं चाहती। मेरा केक सबसे अच्छा होगा क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ। मैं आटा में कुछ रंग जोड़ूंगी। यह एक उज्जवल लड़की के लिए उज्जवल केक होगा। यह बहुत अच्छी तरह से निकला है। इसे करने का यही तरीका है। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही करूँगी। तो मैं पीनट बटर जोड़ूंगी। और बेहतर, मुझे पीनट बटर बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब अगली लेयर। और जैस सिर्फ अपनी उंगलियां चाटेंगी। मैं कम से कम इसे अब खुद खाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। बस करो, तुम अपनी बहन के लिए केक बना रही हो। और मैं स्ट्रॉबेरी जैम डालूंगी, जिसे मैंने खुद तैयार किया है। वह निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। बस जार खोलना है। इस जैम की सुगंध स्वादिष्ट है। मैं पूरा जार डाल दूंगी। इसे बेहतर करना मुश्किल होगा। मेरे पास सबसे अच्छा पाई होगा। आवश्यक डिटेल्स जोड़ूंगी, कुछ स्ट्राइप्स लगाऊंगी। जब यह सब भूरा हो जाएगा तो पाई तैयार हो जाएगा। वाह, यह बहुत बड़ा है। एक महत्वपूर्ण डिटेल, अब हमें सावधानी से क्रीम लगाना होगा। मैं पेस्ट्री बैग के साथ ऐसे लेयर्स बनाती हूँ। केक इतना उज्जवल और सुंदर निकला। अब अगला स्टेप, इसे सावधानी से करना बहुत जरूरी है ताकि केक उतना ही सुंदर बना रहे। मुझे लगता है कि क्रीम के साथ सब कुछ तैयार है। आखिरी स्टेप सजावट है। मैं एक सजावट बनाना चाहती हूँ जो इस केक में पूरी तरह से मेल खाएगी। यह उतना ही रंगीन होगा जितना वह है। यह सब सेट है। परफेक्ट इंद्रधनुष। मैं उसे सबसे ऊपर रखूंगी। बिल्कुल सही। मैं केक को रंगीन चॉकलेट से सजाऊंगी। मैं तारे लगाऊंगी, उन्हें यहाँ रखूंगी। ये बहुत अच्छा निकला। अब सिर्फ इंद्रधनुष में बादलों को जोड़ना बचा है और मेरा केक एकदम सही है। अरे दादी कहाँ गई? क्या कहाँ कौन? ओह हाँ, मेरी पाई। कितनी अच्छी सुगंध है। बस एक अद्भुत पाई बना है। मुझे भी यह केक चाहिए। मेरा इतना बुरा लग रहा है। दादी भी मुझसे बेहतर है। मेरे पास एक आइडिया है। रंग जोड़ने के लिए मुझे रंगीन कैंडीज चाहिए, तो यह बहुत सुंदर हो जाएगा। जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छा। तुम्हारे लिए अच्छा है केट। तुम लोगों का मेरे साथ कोई तुलना नहीं है। ओह बुरा नहीं है, ये बहुत प्यारा है। चलो उसके साथ शुरू करते हैं। अब मैं स्वादिष्ट केक खाने जा रही हूँ। हम ध्यान से और सावधानी से काटते हैं। यह हुई ना बात, मैं कितनी अच्छी हूँ। वाह कितना मीठा है, ये मेरे मुंह में पिघल जा रहा है। कमाल है। मैं हर आखिरी टुकड़ा खा लेना चाहती हूँ। मैं एक बादल को भी खाना चाहती हूँ। यह सच में बहुत स्वादिष्ट है। चलो अब अगले केक की बारी है। वाह यह कितना सुंदर लग रहा है। मैं एक पीस खाकर देखती हूँ। कितना सुंदर और मीठा रसदार। बेरी का स्वाद सिर्फ अविश्वसनीय है। मैं इसे खाना चाहती हूँ और खाते रहना चाहती हूँ। लेकिन यह मैं कैंडी खा सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट है। चलो खाकर देखती हूँ। स्वादिष्ट है। चलो और खाती हूँ।
यह मुंह में बहुत चिपचिपा हो रहा है, मुझे कुछ पीना पड़ेगा। अब बेहतर है, मैं अब और इसे नहीं खाना चाहती। अच्छा, अब मुझे चुनना होगा। जाहिर है इंद्रधनुष केक सबसे स्वादिष्ट है। किसका? मेरा। ओह चलो, तुम मेरी चापलूसी करो, अगली बार जीत मेरी होगी, तुम देखोगी। हमारे पास यहाँ क्या है? सब्जियाँ। किस लिए? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मुझे बर्गर चाहिए, मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर पकाओ आसानी से। क्या बर्गर? ये बहुत हानिकारक है, मैं अपनी पोती को ऐसी गंदगी नहीं खाने दूंगी, सभी कचरे में जाएंगे। और हम सब्जियों से बहुत सारी अच्छी चीजें पका सकते हैं। एवोकाडोस बंस की तुलना में बहुत स्वस्थ होते हैं। अब मैं इसे बहुत स्वादिष्ट बनाने जा रही हूँ, तुम अपनी उंगलियाँ चाटोगी। इसके अलावा यह इतना आसान है, बस मुझे बीज निकालना होगा, उसे साफ करना होगा। लेकिन इसमें कितने विटामिन है। और टमाटर, मुझे टमाटर बहुत पसंद है, ये बहुत स्वादिष्ट और स्वस्थ होते हैं। उन्हें जोड़ना होगा खीरे की तरह। हमें इसे सर्कल्स में काटना होगा। और मिर्च के बिना कैसे? मैं यह भी नहीं बताना चाहती कि मिर्च कितने उपयोगी है। जब मैं खाना बना रही थी तो मैं इसे खुद खाना चाहती थी, बहुत स्वादिष्ट और बिल्कुल तीखा नहीं। और अब बारी है सलाद के पत्ते की। हमारे हेल्दी बर्गर को असेंबल करना बाकी है। एवोकाडो, सलाद, टमाटर, मिर्च और खीरे। यह बेकार है, मेरा स्वाद निश्चित रूप से बेहतर होगा। एक ब्रेड पर कटलेट। अब हमें सब्जियां डालनी होगी। खीरा है। yeah. क्या यह प्याज है? नहीं, यह जरूरी नहीं है। टमाटर। लेकिन पहले हमें टमाटर के अनावश्यक हिस्सों से छुटकारा पाना होगा, नहीं तो यह बेस्वाद होगा। अब शायद यह ठीक है, हालांकि नहीं, यहाँ और भी बहुत कुछ है, इन्हें हटाना होगा। ठीक है, अब यह ठीक है। चलो अब इस पर चीज डालते हैं ऊपर से। इसके साथ कुछ गड़बड़ है, ये बहुत ज्यादा है। ओ चलो, अगर इस तरह से रखे तो यह भयानक लग रहा है। आइडिया, हम थोड़ा चीटिंग कर सकते हैं। हाय, मैं जल्द से जल्द बर्गर डिलीवरी कराती हूँ। yeah. मैं इंतजार कर रही हूँ। वाह, इतनी जल्दी। थैंक यू। ओह, मेरा बर्गर कहाँ है? बढ़िया, हम अनावश्यक चीजें हटा देते हैं। वो कितना सुंदर है, हमने इसे प्लेट पर रखा, बिल्कुल सही। बुरा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बेहतर करूंगी। मेरे कटलेट कैसे हैं? पूरी तरह से तला हुआ और आग की सुगंध को ऑब्जर्व किया, इतना रसदार और सुगंधित। यह सब सेट है, मेरी प्लेट में आओ। देखो ये कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं पहले सब कुछ आग से निकाल दूंगी और फिर मैं एक स्वादिष्ट बर्गर पकाऊंगी। इसे ऑफ करना मत भूलना। बढ़िया, चलो शुरू हो जाओ। मेरी प्रोफेशनल मेथड से सब्जियों को काटना आवश्यक है। पहले हम टॉस करते हैं और फिर हमने इसे हवा में काट दिया। पूरी तरह से कटे हुए सब्जियां तैयार हैं। एकदम सही बन। अब हम बर्गर को एक साथ डाल रहे हैं। सलाद, रसदार कटलेट और चीज डालते हैं। अगला सब्जियां, और इसे कुछ और बार दोहराएं ताकि बर्गर एक टावर की तरह दिखे। फाइनल टच, बन और एक झंडा। अब यह एकदम सही है, कितना सुंदर है। यह सच है, यह सब कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन उसके अलावा यह सब क्या है? बर्गर की तरह नहीं दिखता। ठीक है, हमें खाकर देखना होगा। मैं इसे खा सकती हूँ? यह कैसा है? छी, तीखा। ओह, यह बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। झंडे को हटा दो, मेरे मुंह में आओ। ए, क्या यह गिर गया? खैर, मैं इसे तब नहीं खाऊंगी। यह प्यारा लग रहा है, चलो खाकर देखती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है, ये बहुत ही स्वादिष्ट बर्गर है। वह जीत गया है। वाह, मैं जीत गई। यह सही नहीं है और मैं जीत नहीं पाई। आप हमारे साथ बोर नहीं होंगे, लेकिन आपको भूख लगेगी। यह स्वादिष्ट और मजेदार था।
मल्टीडो के साथ समय बिताने के लिए हमारे नए वीडियो की अपेक्षा करें। जल्दी मिलते हैं।